एक जो गमला है वो रख दिया, और उसका ये इसको गुलदस्ता बोलते हैं मेरे ख्याल में। गोल अच्छा, हाँ जी बहन भाइयों को कमरा सजाते दिखा रही हैं। इनको पानी भी लगाते हैं फूलों को? अच्छा, नहीं पानी नहीं लगाते हैं। मैं अभी सोचूं, सिद्धरा बड़ी चालाक है, फूल एक नहीं बल्कि फूल का पूरा गमला ही रख दिया है। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? मुझे आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, बाद रहे हंसते और मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। हमारी दुआ हमेशा सबके साथ हैं, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो लोग परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनकी मागफिरत फरमाए, जो लोग चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक चलने फिरने की तौफीक दे। इसी दुआ का आज कब लोग करते हैं स्टार रहने हमारे साथ। वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, ज़बरदस्त। और सुबह का टाइम है जी, सूरज ये रहा, मौसम भी, हवा नहीं चल रही है, शायद बाद में चल रहा है, फिलहाल तो गर्मी का मौसम लग रहा है। और अब्बू जान पता नहीं क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। ये कह रहा हूँ, मंजा टूटा हुआ है, इसका देसी जुगाड़ बना रहा हूँ, देखो। हाँ, ये चारपाइयाँ पहले से कम है और ये एक और तो भी टूट टूट गया। गई, और इसको जो है ना जुगाड़ बढ़ा रहा हूँ, इसको दौड़ना ना पड़े, ऐसे अच्छा बन जाए। ये पावे जो है इधर से ऐसे इसके इधर बांध देंगे, इसके इधर बांधे हुए उसके उधर बांध देंगे, एक पाया और एक जो है ना ये सिरू, वो वाला निकालना है, वो सामने वाला, और ये निकालना है ना। हाँ हाँ, इसकी चोट बनवानी है, इसकी चोट बनवा के ना फिर आके हेड कर देंगे, सारा मंजा नहीं उठाना पड़ेगा ना। चल सही है। ये वार बहुत सख्त है, इसको वारना बड़ा मुश्किल है, औखा है। अभी बाहर सोने की मौसम आ गई है, अभी दो तीन चार पाइयां जो है हमसाइयों से लेकर सोते हैं। अरे यार क्या करे, गरीब आदमी है, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह देगा और जो है ना बनवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे भाई और कटोरियां भी गिरा दी। तेरा भाई एक बार सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में बड़े छोटे सब ठीक ठाक है, अल्लाह तला खुश खुशम रखे आपको, आमीन। और दुआएं कीजिए कि तबीयत में कोई डाउन है, इंशाल्लाह कुछ काफी बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह। दवाई दी है और जो है ना जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो इस आमीन दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनको उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, आमीन और जो चल फिर नहीं सकते अल्लाह ताला उनको चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जो रिस्क रोजी की तंगी है अल्लाह ताला उनको रिस्क रोजी की वसी या दे अता आमीन करे। हमारे जो देखने भाई हैं, देखने वाले अल्लाह करे खुश खुरम रहे और हंसते और मुस्कुराते रहे फूलों की तरह, हमारी आमीन। दुआ उनके साथ है, हम भी दुआ हर टाइम करते हैं जब आते हैं कैमरे के आगे, जी इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। वाह, ये थोड़ा जा जो है ना थोड़ा जा काम कर रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही है, अल्लाह खैर अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह दवाई दे रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, फिर जो इंशाल्लाह है ना आपके साथ कोशिश करेंगे, गप्पा गप्पे अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे कम। हाँ एक बात जरूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच किया करें, जब तक हम जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भेज सकें। मौसम देखें जी, माशाल्लाह ठंडा हो गया है, हवा भी चल पड़ी है, रोज़े जो हैं अल्लाह पाक ठंडे ठंडे गुजार रहा है अल्लाह पाक के फजल व करम से।
और सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी व्लॉग सुबह स्टार्ट किया था, आगे बनाया ही नहीं, अभी फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलते हैं अंदर, देखते हैं बेगम साहिबा क्या कर रही है। ये क्या है, ये देखें, धूल, इतना धूल। बेगम साहिबा ने सारी धूल शूल हर शय उड़ाई हुई है। बेगम साहिबा, हाँ जी, क्या बात है, आपने फिर सारा कुछ पट्या हुआ है, बर्तन पट छोड़े, बाहर सट छोड़े, हर शय। आज मैं ना अपने कमरा सेट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, बहन भाइयों को कमरा सजाते दिखा रही है। हाँ जी, माशाल्लाह। अम्मी जान कहाँ गई आज आपके साथ? अम्मी जान नहीं है, कमरा सजाने में तो दिखाने में अम्मी साथ होती है। आज भी साथ है, नजर नहीं आई मुझे, पता नहीं कहाँ गई है, पता नहीं कैमरे से डर रही है, पता नहीं क्या। ओ, आप इधर खड़ी थी जी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई है। रोजा है ना, साहा करनी बैठी आपने। रोजा लग रहा है? नहीं लगता नहीं है, भूख तो नहीं लगती, भूख है। ये सारे रोजे जो रखे हैं इस वजह से कमजोरी हो चुकी है। अल्लाह पाक जो है ना इसका अजर दे, तौफीक दे, और इसके जो है ना इसकी बरकतें दे रमजान शरीफ की। हाँ जी, बेगम साहिबा जी आज बहन भाइयों आप सबको ना कमरा सजा के दिखाएंगी। वो देखें कपड़े वगैरह भी रखती हैं उधर, बाकी ये जो सामान कुछ वो पड़ा है, कुछ ये पड़ा है, ये ऐसे आपको पहले भी दिखाया था, आज जो है सजा के दिखाएंगे। ये प्याले भी सजाएंगे क्या? अच्छा, ये है जी दाज के बर्तन सितरा के, है ना? हाँ जी, दाज के बर्तन है मेरे। बहुत सारे थे, कुछ टूट गए। टूट गए हैं, अल्लाह पाक और दे देगा। हाँ, टूटे तो काफी सारे हैं, शीशे के मेरे को लगता है यके ही टूट गए हैं। हाँ जी, सारे ही टूट गए थे, फिर मैंने नए लिए थे। अच्छा, हाँ जी, ये वाले गिलास बहुत बढ़िया है, ये वाले। ये देखें आप इसका जो है ना डिजाइन चेक करें, इसके अंदर ये देखें, और इसके जो है ना नीचे ये देखें, इसके दो उंगलियां बनी हुई है, और इसका जग ये है। हाँ जी, बोतल डालो ना, मजे की होते हैं, चमक रही होती है। हाँ जी, तो ईद वाले दिन इसमें बोतल डाल के पियेंगे। हाँ जी, जरूर। ये भी है और इसके डिजाइन के साथ, ये भी है, उसके ऊपर फूल नहीं है वैसे सारे। ये साथे वाले, ये इनका तो डिजाइन नॉर्मल है, ये देखें उसकी जो बीच में डुंडली भी बनी हुई है, ये ऐसे ही है। तो इसको खोपा गिलास बोलते हैं क्या? पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी बर्तन, और यहाँ पर देखें जी अम्मी जान थक के बह चुकी हैं, और सिद्रा देखें बक्से के ऊपर चढ़ गई है, और बर्तन रखना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। कपड़ा भी देखें उसने ऊपर थोड़ा सा लटका छोड़ा है। ये आपकी सफील का कपड़ा है, इसको सफील बोलते हैं, अलमारी बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं? नहीं, ये हमारी सराकी में तो सफील बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में कुछ और बोलते हैं। वो आपको आता है? हाँ जी। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं परछत्ती। परछत्ती? हाँ जी। ये कैसा नाम है, मैंने पहली बार सुना है परछत्ती। वो पंजाबी ऐसे बोलते हैं। ये जी सेट आपने सुना है अभी कभी परछत्ती? नहीं सुना। नहीं, सारे कड़े पंजाबी नाल पंगा ही नहीं पिया, तो ऐसा पता क्या होएगा। हाँ, ये सिद्रा का पड़ा होगा, वही रहते थे ना वहां पर, यके पंजाबी रहते हैं ना। अच्छा, ये सबसे पहले डिनर सेट आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले ये। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये देखें डिनर सेट जो है, डिनर सेट की प्लेटें जो है वो लम्बी काटती है।
सामने गोल गोल वाला रख दिया। अब ये दूसरी, अच्छा ये वाली कटोरी जो होती हैं ये चटनी और दही के लिए होती हैं, कभी इसमें दही डाल के चटनी डाल के खा दी तो नहीं है? नहीं, वैसे ही अभी रखी है, कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से ये जो आपके सेट हैं या यहाँ पर ही सजे हुए हैं, कभी इस्तेमाल तो नहीं हुए? नहीं, इस्तेमाल होते हैं जो होने वाले हैं। ये बार कोई जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो वही बाकी ले जाते हैं। अच्छा सही है, मैंने कहा पता नहीं ये इस्तेमाल ही नहीं होंगे, इसी तरह सजे रहेंगे। वो अब्बू ने जैसे कल की वीडियो में बताया था कि मैंने सोचा भिंडियाँ बनानी ही नहीं आती, पकेंगी ही नहीं भिंडियाँ कभी। नहीं, पकता जाती है। अच्छा सही है। मरियम पुत्र भी आ चुकी है। हाँ कहाँ आई हो, क्या देख रहे आई हो? सलाम कर छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या बोल रही थी, अम्मी से पैसे लेने आई हो? नहीं। आ, क्या हफ्सी मुझे नहीं करना चाहती? हफ्सी आपको कुटती है? जी। वो किसकी हफ्सी है? चाची की। चाची की हफ्सी है जी। आप उसको बोलो मुझे ना कुटो, उसको मेरा नाम बताओ, बोलो मेरा भैया बोल रहा है ना कुटो, कट्ठे खेलो, ठीक है? हाँ ओके, आप जाओ जल्दी जल्दी से, उसको बताना है। चलें जी, ये बेगम साहिबा कुछ सामान रख लें, फिर मिलते हैं आपसे, देखा तो लूँ किस तरह रख रही है। ये देखें वो सारे डब्बे ऊपर जो चार दिए हैं वो गिरते नहीं है? नहीं, ये रखे रहते हैं ऐसे। आपको पता है आपके घर में एक बिल्ली भी है? हाँ जी, बिल्ली है जो वो बड़ी सी है, वो नहीं चढ़ती ऊपर, वो जो छोटे से बच्चे होते हैं वो ही चढ़ते हैं। अब छोटे नहीं है? नहीं, अब छोटे नहीं है। चलो खैर, रखो रखो और बर्तन उठा के दू क्या, या अब ये रखेंगे? अब ये रखूंगी यहाँ पर। इसके बाद कौन से रखेंगी? इसके बाद ये वाला रखूंगी। अच्छा ऐसे खड़े करेंगी? अच्छा सही है। ये समझ नहीं आया, ये अम्मी जान ने साथ में ये डंडा क्यों रखा हुआ है? ए डंडा मेरे खतरे का सिर टूट गया। अच्छा इसलिए रखा है, और इसको एक इसको देख के परेशान हो के इसका क्या करूं, मेरा खतरा सुमन वाला भी नहीं आया। हाँ जी, वो तो मैं सुबह बताया था वीडियो में कि खचड़े जो हैं टूट चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये देखें ये टूट गया है इधर से। आगे कभी आगे काम था पूरे नहीं हो रहे थे वाला, एक दो टूट गए। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ, अब तो देखें जी वहाँ तक ये सेटिंग हो गई है। हाँ जी, और यहाँ से आगे भी इसी तरह सेटिंग कर रही है। हाँ जी। बस आप थक गई हैं? नहीं, अब नीचे जा रही हूँ बर्तन उठाने। यहाँ से कौन से उठाने हैं? यहाँ से वाला मुझे बता दें या अम्मी को बता दें? ये वाला जग और ये वाले गिलास, ये जो पड़े हैं तो ये नहीं आएंगे? वो भी आएंगे। अच्छा, और ये किस चीज के फूल हैं? ये वैसे ही फैंसी फूल है। अच्छा, ये इनको पानी भी लगाते हैं फूलों को? नहीं, पानी नहीं लगाते। अच्छा, मैंने समझा इसमें पानी भी लगाते होंगे। नहीं, पानी नहीं लगता इसमें। ये गुलाब जैसे फूल तो हैं, उनको तो पानी लगता है, इसको क्यों नहीं लगता? नहीं, वो तो सचमुच की होती है, ये तो वैसे ही है। ये नकली है? ये कूड़ी मच्छी के हैं? अच्छा, ये भी यहाँ पर रखने के लिए मंगवाए थे? मैं भी सोचूं सिद्रा बड़ी चलाक है। ये तो सारा ही बीच में पड़ा हुआ है। किधर? बाहर निकल सकता है, निकाल लें। वो देखे जैसे वो खिलरा हुआ है, ये नहीं है वैसे। ये हो जाएगा ना, ये इकट्ठा हुआ है, इसको थोड़ा निकाल लो फिर ये खिलर जाएगा। ये खुद सही करना पड़ेगा, शापर में था ना इसलिए। हो गया कुछ?
ये ऐसा ऐसा हो जाएंगे। हाँ जी। ये दोनों एक साथ रखेंगे क्या? नहीं, इधर फिर कुछ बर्तन रखूंगी फिर उधर रखूंगी। अच्छा, अभी तो पूरी सफील पूरी अलमारी सारी खाली पड़ी है। चले शाबाश, मिनट लगा के थोड़ा सा इधर हो जाए, दिखाओ तो सही कैसे रखे हैं गिलास। ये देखें जी, यहाँ पर ये गिलास और ये जग, ये स्टैल रख दिया है और साथ में एक फूल भी रख दिया है। फूल एक नहीं बल्कि फूल का पूरा गमला ही रख दिया है। हाँ जी। अम्मी जान कैसा लग रहा है आपको ये गमला जो रखे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। मेरे को भी सोना लग रहा है। यहाँ से अब ये देखें जी, ये यहाँ से जो है ना ये सामान रख दिया गया है और इधर से लेकर वो हो गया डिनर सेट। ये वाला इसको क्या बोलते हैं? स्टील वाला, स्टील वाला सेट, स्टील वाले कटोरियाँ, फिर स्टील वाले बर्तन, फिर ये शीशे वाला आ गया जग गिलास, ये शीशे वाला सेट हो गया, फिर आगे भी स्टील वाले। पता नहीं सिद्रा ने कैसा कैसा सजाया है, मिक्स मिक्स अचार बना के रखा हुआ है। एक गुलाब का गमला उधर रख छोड़ा है, एक इधर रखा और एक उधर रखा, दोनों बीच में रखे। फिर साइडों में क्या रखोगी? साइडों में और रख दोगी। और आपके पास रखे हैं? हाँ जी। छो चले फिर, अभी तो बर्तन थोड़े से रह गए हैं ये वाले। अब ये वाले मैं देखूंगा कैसे सजाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चमचे वाला कड़ोका। चमचे वाला कड़ोका बोलते हैं अम्मी? पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ। अम्मी भी नहीं बता रहे, पता नहीं क्या बोलते हैं। अम्मी को नहीं आता क्या? अम्मी कदे ही कमरा सजाए नहीं, पता ही नहीं नाम ही नहीं है बर्तन का। अच्छा। हाँ जी। ये सारे सिद्रा के बर्तन है। अम्मी के हान तो सही बहुत सारे हान, बाकी मैं कह रही कमरे में नहीं सजाए, जो हमारा कमरा भी नहीं था, छोटा था। जब मैं छोटा था उस टाइम मुझे याद है, हमारा छोटा एक कच्चा कमरा होता था, वो भी एक शतीरा जैसे ये गार्डर है ना कच्चे, वो कड़ियों वाला था, जैसे दादी का रूम दिखाया है ना कल, वैसा था। तो उसमें हम माल भी अपने, गाय थी हमारी पहले, गाय रखते थे, अभी तो वो सब कुछ बेच के ये दो कमरे बनाए थे। तो उसमें जो है गाय भी बांधते थे, उसमें माल डगर वो बांधते थे, सोते भी उधर थे, सारा कुछ एक ही कमरे में हमारा था सिस्टम। अब तो वो गाय थी, दो चार बकरियां थी, वो सब बेच के फिर कुछ पैसे जमा करके मैंने ड्यूटी की थी 3 साल 6 साल, फिर जाकर ये कमरे दो बनवाए हैं, है ना? हाँ जी। चलो, वो भी हालात थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हैं, अल्लाह पाक आगे भी करम करेगा इंशाल्लाह। अब ये देखें जी, बड़े बड़े जो हैं वो भी सजा रही है सिद्रा। हाँ जी। ये बहन भाइयों ने बताना है कमेंट में, सिद्रा रूम सही सजा रही है या नहीं सजा रही है। गलत सजा रही है तो मुझे बताना, मैं फिर से सजवाऊंगा इसे। है ना? हाँ जी। दोबारा सारे उतार दूंगा, मंजूर है? नहीं, फिर देखेंगे। देखना क्या है, आप मेरे से शर्त लगाओ, मैं फिर दोबारा उतारूंगा सारे, फिर आप दोबारा रखना। हाँ जी, इंशाल्लाह बहन भाई को अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगा तो फिर उतारेंगे यक्के। हाँ जी, पक्की बात है। चलो बहन भाइयों, आपने बताना है कि अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं दोबारा इनसे उतरवाऊंगा, फिर दोबारा मेहनत कराऊंगा, है ना? और ये वाले भी फूल हैं। हाँ जी, ये वाले तो काले और चिट्टे हैं, वो वाले तो रत्ते थे। हाँ जी। माशाल्लाह। इनको इस साइड पे ये वही हैं जो उस दिन मंगवाए थे। हाँ जी, ये वही है। माशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह बहन भाइयों, ये देखें, वो एक जो गमला है वो रख दिया,
और उसका ये इसको गुलदस्ता बोलते हैं मेरे ख्याल में, गुलदस्ता बोलते हैं। और ये वो हो गया एक बुकर में, ये चार फूल जो हैं सजा दिए हैं। मैं पीछे से करके ना फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखें फिर भी नहीं आ रहा, मैं दरवाजे में पहुँच गया हूँ। हाँ अब थोड़ा सा आ रहा होगा नज़र, ये देखें अब कैसा लग रहा है यहाँ पर जी। ये हमारी सफील का जो है यहाँ पर ये जो है सिस्टम मुकम्मल हो गया है, एक एक सेट जो है रख दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर उधर तक, ये देखें। बाकी जो है अलमारी भी सजानी है और ये भी है और यहाँ पर भी सजानी है ना सिद्रा। हाँ जी। ये अभी सफील मुकम्मल हो गई है और हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है। हाँ जी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो फिर बहन भाई देखते नहीं है, तो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट पार्ट फिर बना लेंगे सुबह है। हाँ जी। आज बहन भाइयों यहाँ से आपको ये दिखा दिया है, सजा दिया है आधा कमरा, बाकी जो रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आज हम लेते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।